इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में आज एक चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई और इस घटना में चालक समेत कई यात्री बाल बाल बच गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। दरअसल आपको बता दें कि ये घटना नदिया जिले के नवदीप तिघरी पाड़ा रेल गेट गौरंगा ब्रिज रोड के सामने पुराना टोल टैक्स के पास घटी है। पता चला है कि नदिया के मायापुर से कोलकाता जाते समय नवदीप गौरंगा सेतु रोड पर पुराने टोल टैक्स के सामने गाड़ी अचानक रुक गई और उसमें से धुआं निकलने लगा। आनंद फानंद चालक समेत सभी यात्री कार से उतर गए और कुछ देर बाद गाड़ी में अचानक से आग लग गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, साथ ही नवदीप की फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। खबर मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। इसके अलावा नवदीप थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। अत्यधिक आग की वजह से पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। चालक समेत गाड़ी में सवार सभी लोगों ने तेजी से गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचा ली। हालांकि दमकल अधिकारियों का प्रारंभिक अनुमान है कि ये गाड़ी में आग अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। फिलहाल सभी यात्री इस वक्त सुरक्षित हैं। আমাদের খুলতে